बायो बोले ना।
हाँ भाई गुड इवनिंग। हाँ भाई हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है मेरे को क्या पता तुम्हारा ही कोई फ्रेंड होगा। ठीक है अभी तो रिमूव किया है उसको। मैं एक सेटिंग चेक करना चाहता हूँ। तुम बोलो तो मैं किसी को एक बार रिमूव करूं उसके बाद में मैं देखना चाहता हूं कि फिर से तुम ज्वाइन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है तो किसको करूं जिसने दो सिस्टम के ऊपर लॉगिन कर रहा है एक बार वो देखो किसको करें रिमूव जिसने दो सिस्टम पे लॉगिन कर रहा है। ठीक है रहने दो फिर। हाँ भाई इधर ध्यान दो। ठीक है इधर ध्यान आगे पढ़ा रहा हूं मैं। एक बात सुनो इधर देखो मैं तुम्हारी किसी आईआईटीएन से इंटरेक्शन करना चाहोगे तो किसी आईआईटीएन से। ठीक है अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है मेरा फ्रेंड है एक। ठीक है वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट है कंप्यूटर साइंस था उसको। ठीक है कंप्यूटर साइंस उसकी ब्रांच थी और उसकी ऑल इंडिया रैंक 47 थी। ठीक है ऑल इंडिया रैंक 47 थी उसकी। फिर वो आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया उसने। ठीक है ना कार्तिकन सिंह है। ठीक है वो अभी मेरे पास नहीं आया हुआ है मेरे पास ही आजकल। ठीक है तो अगली क्लास में जब मैं तुम्हारी उससे इंटरेक्शन करूंगा वीडियो ब्लर आ रहा है। एक मिनट मैं लिखता हूं। ठीक है मैं लिख रहा हूं एक बार। क्लियर आ रहा है क्लियर आ रहा है। ठीक है एक मिनट थोड़ा सा लग तेरे को भी लग रहा है।
अच्छा मैं समझ गया। ये दूसरी वीडियो से देख रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, मेरे को फटाफट में दो तीन चीजों को लिखूंगा। इनका डायमेंशन लिखना, सबसे पहले स्पीड का डायमेंशन लिखो, स्पीड का डायमेंशन लिखो, वर्क का लिखो, उसके बाद में फोर्स का लिखो, एक्सेलरेशन का लिखो, मोमेंटम का लिखो, पावर का लिखो, डेंसिटी का लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिखो, वॉल्यूम का लिखो, और टॉर्क का लिखो, इनका डायमेंशन लिखो। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। सेंटर से इसका मॉड्यूल की जगह मैंने वैसे ग्रुप में डाल भी दिया है, ग्रुप के अंदर इसका मॉड्यूल डाल दिया मैंने। फटाफट इन सबके डायमेंशन लिखो, फिर मैं लिख रहा हूं। बिल्कुल सही है हमारा। स्नेहा मेरे को मैसेज कर देना तुम एक बार व्हाट्सएप पे, क्लियर कर दूंगा। हम मिल जाएंगे, इसके मॉडल मिल जाएंगे। तो स्पीड का डायमेंशन है L0 L1 T-1, किस किसका सही है? बहुत बढ़िया। वर्क का M1 L2 T-1, किस किसका सही है? ठीक है, आओ क्या वर्क क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है? एम और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम आया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टी माइनस टू, तो ये लो क्या फोर्स, और फोर्स इनटू क्या लोगे एल, एक एल से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज आ जाएगी। पिछले लेक्चर में यही करवाया था, बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद में ये देखो एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन तो यही बता दिया मैंने, m1 l1 t-1, सही है क्या? किस किसका सही है? m1 l1 t-1 किस किसका सही है? गलत नहीं, नहीं गलत है। m1 l1 t-2 आंसर, m1 l1 t-2 आंसर। एक्सेलरेशन का डायमेंशन m0 l1 t-2, किस किस का सही है? मोमेंटम का m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। पावर का m1 l2 t-3, m1 l2 t-3।
डेंसिटी का है m1 l माइनस 3 p0। m1 l माइनस 3 p0 बहुत बढ़िया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस है m0 l0 p0 m0 l0 p0 बहुत बढ़िया। वॉल्यूम का डायमेंशन m0 l3 p0 बिल्कुल सही है। टॉप का m1 l2 p माइनस 2 जो डायमेंशन वर्क का इधर है टॉप का डायमेंशन आया ना। अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीजों के तुम डायमेंशन निकाल लोगे कैलकुलेट कर लोगे ऐसी चीजों के डायमेंशन बस हमें ये नहीं। ठीक है अब देखो अब थोड़े डायमेंशन निकालना सीखता हूँ और भी तरीके से और भी मेथड है डायमेंशन निकालने का। जैसे मान लो मेरे को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो मैं ये फॉर्मूला तो लगा ही हूँ F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ये वाला फॉर्मूला पता है सबको है ना नाइन्थ क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में था। तो देखो अब G का डायमेंशन निकालने तो देखो क्या आएगा G को ऐसे लिख सकते हो F into r square upon m1 into m2 बेजी तरह या r square बनते हैं और m1 m2 नीचे आ रहे कोई प्रॉब्लम इस बात में कोई प्रॉब्लम है इस बात में यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है अब देखो फोर्स का डायमेंशन लिखो m1 l1 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो M1, L1, P minus 2 ऊपर R square है तो ये L square बनेगा L2 और नीचे दोनों मास है तो M2। अब इसको सॉल्व करोगे सॉल्व तो कर ही सकते हो ऐसे पावर तो सॉल्व करनी आती है। एक मिनट आवाज आ रही है क्या वॉइस क्लियर है वॉइस क्लियर है। ठीक है अब ऊपर ले जाएगा तो मेरे ना x की पावर में अपॉन x की पावर 2 क्या होगा इसको ऐसे ही लिखो x की पावर में x की पावर माइनस 2 तो x की पावर माइनस 1 आ जाएगा इनको तो सॉल्व करना आता है तो ये क्या आ जाएगा m की पावर माइनस 1 फिर L3 और फिर T माइनस कैसे समझ में आ गया बेटा फॉर्मूला ये है F इक्वल टू G M1 इनटू M2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उससे मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल रहा था आया बिल्कुल m1 l3 t माइनस कई बार समझ में आई कई बार समझ में आ गई इसी तरह से कई बार समझ में आ गई पक्का की क्या चीज होती है
ये क्या चीज़ है? अब सुनो, एक चीज बताओ, चलो ऐसे ही धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक चीज बताओ मेरे को, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा। 3 + 2 = कितना है? 5। 3 मीटर + 2 मीटर किसके बराबर है? 5 मीटर। 3 मीटर + 2 लीटर किसके बराबर है? 5 लीटर के बराबर है। 3 मीटर + 2 लीटर नहीं, तो ये कर दो, 3 मीटर - 2 लीटर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एक चीज तुम समझ गए, दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ना ही तो आप ऐड कर सकते हो ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हो। कई बार समझ में आई कि कई बार समझ में क्या कहा मैंने? दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पे कौन से टाइप का ऑपरेशन नहीं होता? कौन सा ऑपरेशन नहीं होता दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पे? बिल्कुल, सम एंड सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई थी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का भी नहीं होता, ठीक है? अब एक बार बताओ, देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। कभी ऐसा हो सकता है 3 मीटर + 2 मीटर = 5, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों? यहाँ क्या आना चाहिए? इक्वल टू साइन में जो चीज इधर है वही चीज इधर जाती है। अगर मैं इसको 5 मीटर कर दूँ तो गलत है ही है। बात समझ में आई नहीं? तो ये क्या आएगा? 5 मीटर आएगा। अब बताओ, 4 लीटर - 2 लीटर = 0, सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा क्या चीज है। लीटर है, ये 0 लीटर हो तो एक बात ध्यान रखना, इक्वल टू साइन भी जो फिजिकल क्वांटिटी इधर होगी वही फिजिकल क्वांटिटी इधर आए। कभी भी 2 apples + 3 bananas आर नेवर इक्वल टू 5 grapes, कई बार समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। 2 apples + 3 bananas = 5 grapes कभी नहीं हो सकता है ना? आप सिर्फ किस चीज को जोड़ सकते हो? लाइक टाइप की चीजों को जोड़ सकते हो। 2 apples + 3 apples = 5 apples, ये बात ठीक है? भाषण में क्या भाषण में आ गए अच्छी तरह से सबको, ठीक है? ये बताओ, दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। डिस्टेंस क्या होता है? तुम नहीं करते स्पीड इनटू टाइम है? कई बार सर क्या है, दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं है ना? अभी तो तुम्हें बताया डेंसिटी, मास कौन, वॉल्यूम, ये लो डेंसिटी भी आ गई। कई बार समझ में आ गई? कई बार समझ आ गई सबको आया? लेकिन 4 = mass * acceleration होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या मैं मास को फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकता हूं? क्या डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि ये मैंने बैटरी थ्योरी नीचे बैटर है,
वेक्टर, दो वेक्टर का डिवीजन ऑपरेशन कभी डिफाइंड नहीं होगा। क्या कहा मैंने? दो वेक्टर का डिवीजन ऑपरेशन कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार समझ आएगा, कई बार समझ आएगा। अगर मास निकाल लें तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और नीचे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तब आपका मास आएगा। ठीक है, अब सब, अब समझ में आ गया? वेक्टर में कभी नहीं हो सकता, आई बात समझे? मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये रीजन क्या है? रीजन यही है, तुम दो डिफरेंट एंटिटीज को क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, ये तो फ्री क्यों करती है? इसका लॉजिकल रीजन क्या है? तो वैसे लाइफ में पता है, टू मेंस प्लस थ्री वुमेन्स इक्वल टू फाइव बफेलोस कैसे हो सकती है? ये तो लॉजिकल बात है एकदम। हाँ, थ्री मेन माइनस टू वुमेन इक्वल टू वन बफेलो कभी हो ही नहीं सकता यार, मल्टीप्लिकेशन में तो हम पढ़ते ही हैं ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है यार, एडिशन के अंदर तुम कैसे ऐड कर सकते हो? मल्टीप्लाई तो कर सकते ही हो, वरना तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम खुद देखते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर देते हो। यूनिट सेम नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है, यही तो लोग गड़बड़ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब यूनिट का मतलब सुनो, 10 जूल वर्क प्लस 5 टॉर्क आया ना, और न्यूटन मीटर यूनिट होती है इक्वल टू 15 कैलोरी फोर्स। इधर दोनों की डायमेंशन सेम है, मेरी बात समझना, डायमेंशन से कुछ नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? नहीं, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एवा के को हेडिंग को एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, आपका सिर्फ किसी का एग्जांपल तो ये बताओ। ए आकर्षित, तो मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई एग्जांपल पूछ रहा है, पूछता हूँ ये कौन सा एग्जांपल पूछ रहा है। आकर्षित अनम्यूट किया, तुम्हें बोलो। सर जो आप पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे थे ना, इससे पहले कौन सी के बारे में? सर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे थे ना आप अभी। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, दो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके ओके सर, सिर्फ यही बताया बेटा मैंने। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिखा मैंने अभी। एनालिसिस बिल्कुल अब सही दिखाई दे रहा है, फोकस कर गया। हाँ ठीक है, लिखो टू चेक द, पहली एप्लीकेशन है टू चेक द, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, to check the dimensional correctness aar siddhi net subtraction may be not defined hoga, tum khud bata do, mai to aisa kar sakti ho, 5 liter doodh mein se 2 kele minus kar do to 3 kya bachega,
नॉट डिफाइंड है बेटा, ठीक है। अर्शदीप एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, क्या बात नहीं समझ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट। अच्छा फ्रूट कस्टर्ड बचेगा, गुड शाबाश। अर्शदीप बेटा अनम्यूट किया, बोलो। अर्शदीप यस सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि अगर सर 5 लीटर में से सर जैसे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सर यूनिट्स डिफरेंट है, तो सर हम अगर हमें पेपर में आएगा तो हम सीधा नॉट डिफाइंड लिखेंगे या फिर हमें एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल नॉट डिफाइंड है, ऑपरेशन नॉट डिफाइंड है ये। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके बच्चे, हाँ इधर ध्यान, इधर ध्यान, सुनो। तो यहां तक पास है, पहले एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो। मैं क्या लिखवा रहा था, क्या बोल रहा था मैं यार, भूल गया। टू चेक द डैमेज, to check the dimensional correctness of a given formula. हाँ ठीक है, drift मत हो, जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे ध्यान दो, ठीक है? To check the dimensional correctness of a given formula. To check the dimensional correctness of a given formula. Correctness, correctness. To check the dimensional correctness of a given formula. एक फॉर्मूले से डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बात समझ में। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला, अब देखो क्या करते हैं। पहली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मैं ये कहता हूं एक पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम हमारा ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? तो इस पेंडुलम को मान लो यहां से रिलीज किया, यहां से ही हो गया, फिर यहां से ही हो गया और फिर यहां से ही हो गया। इतनी जर्नी के लिए जो इसका टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। बासन में टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है? अब अगर वैसे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, मान लो ये लेंथ है और नीचे की तरफ ग्रेविटी जी है, तो इसका अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। मेरे को फॉर्मूला याद था लेकिन मैं थोड़ा भूल गया फॉर्मूला, आया तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि सही या गलत है, कैसे आया ये बाद में पढ़ाऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसी साल पढ़ाऊंगा चैप्टर में। मतलब कह रहा हूं ये फॉर्मूला तुमने दे रखा है, तुम्हें ये पता करना है ये फॉर्मूला सही है गलत है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, तुम्हें एक चीज पता है, इक्वल टू साइन के इस तरफ जो चीज आएगी वो है टाइम है, तो इसके इस तरफ जो डायमेंशन होना चाहिए वो भी किसका आना चाहिए? किसका आना चाहिए? डायमेंशन टाइम का ही आना चाहिए। चेक कर, 2 पाई का तो भी डायमेंशन है, तो इधर डायमेंशन आ गया टाइम, और इधर देखते हैं इसका भी डायमेंशन है, तो g क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? l1 t minus 2 और इसकी पावर हाफ,
अपॉन नीचे लेंथ है एल और उसकी पावर हाफ। बी अंडर रूट का मतलब यही तो होता है, हाफ ही तो होता है। अभी भी नहीं बस है, मैं ये कह रहा हूं टैन थीटा का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट जी बाय। मान लो ये फॉर्मूला मैंने गलती से लिख दिया, मेरे को नहीं पता है सही है गलत, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं। चेक करने के लिए क्या करना होता है, इक्वल टू साइन के इस तरफ अगर टाइम आ गया है मेंशन तो इधर भी क्या आना चाहिए, टाइम ही आना चाहिए, तो इधर तो टाइम आ गया 2 पाई का रूट है मेंशन है ऊपर एक्सीलरेशन का अंडर रूट तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन की पावर हाफ और नीचे लेंथ का पावर हाफ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L की पावर हाफ P की पावर माइनस टू इनटू हाफ अपॉन L की पावर हाफ। L की पावर हाफ से L की पावर हाफ गया हमारे लिए क्या आएगा T माइनस और इधर क्या है P। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, पक्की बात है ये फॉर्मूला गलत है 110% ये फॉर्मूला गलत है। क्या बात समझ में आई, 110% बात है कि ये फॉर्मूला क्या है गलत है, 100% गलत है। क्या बात समझ में आ गई, अब सही क्या है मैं वो बता रहा हूं। मैंने क्या किया, जो सही फॉर्मूला है ना वो है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, अब देखते हैं इधर का डायमेंशन थी 2 पाई का रूट डायमेंशन है ऊपर आया एल की पावर हाफ और नीचे एक्सीलरेशन है एल वन पी माइनस टू की पावर हाफ। ये क्या आएगा, एल की पावर हाफ इधर क्या आएगा, एल की पावर हाफ और पी की पावर माइनस, इससे ये क्या ऊपर जाएगा क्या आएगा टाइम आ जाएगा आया ना, तो ये डायमेंशन इस डायमेंशन के बराबर आ जाएगी। इट मींस ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट। अब मैं ये फॉर्मूला और लिख रहा हूं, ये बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो बताओ ये फॉर्मूला सही है या नहीं, वाला फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है, फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला सही है। अब एक बात का ध्यान रखो, एक बात कहता हूं तुम्हें, बात ये है अगर कोई फॉर्मूला फर्स्ट वाला सही है, क्यों फर्स्ट वाला इसलिए सही है, अगर मान लो आपकी जी की वैल्यू है 10 है ना, g की वैल्यू है 10 और c की लेंथ है 10 मीटर, बात समझ में आई है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर प्रूव करूंगा, मतलब आप घर में एक पेंडुलम मान लो जिसकी हाइट जिसके धागे की लेंथ एक करीब 10 मीटर है, तो अगर तुम उसको एक एज में छोड़ोगे और वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर उसको जो टाइम लगेगा वो मान लो आपने अपनी स्टॉप वॉच पे मेजर किया और मैं कहता हूं आपने वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो आंसर आएगा 6.28 सेकंड। क्या आएगा 6.28 सेकंड आएगा, क्या ये बात समझ में आई, तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, आप रियल में वॉच पे देखोगे तो भी यही टाइम आएगा और फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 सेकंड, ये फॉर्मूला आंसर तो बताएगा आपको 1 सेकंड आया ना, लेकिन स्टॉप वॉच में जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 6.28 सेकंड। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है पर फिजिकली इनकरेक्ट। फिजिकली इनकरेक्ट होने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स के साथ ये कंसिस्टेंट नहीं है, बात समझिए, मैंने कहा ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है
लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स के साथ में ये फॉर्मूला कंसिस्टेंट नहीं है, बात समझ में आएगी, देयर विल बी डिस्क्रिपनेंसी। तो अब मैं एक बात कहता हूं, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो फिजिकली करेक्ट होगा? हमेशा घर पे कर सकते हो आराम से? नहीं। इट मींस अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। मेरे पास में क्या कहा मैंने, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्या कहा मैंने, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, तो पक्की बात है वो फिजिकली कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आपको? बेटा एक्सपेरिमेंट लैब में करवाएंगे मैं स्कूल के अंदर, ठीक है? अभी डायमेंशनली का इसका एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, ये एग्जांपल ही तो था, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है पर फिजिकली इनकरेक्ट है, और ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट भी और फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन जो फॉर्मूला एक बार डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो फिजिकली कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो बेटा आकर्षण, तूने पूछा मेरे से कि अच्छा बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने, साफिक ने कहा कि पहला वाला फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, फिजिकली भी करेक्ट है, लेकिन हमेशा होना चाहिए। एक फॉर्मूला कब काम करता है? हमेशा काम करता है, सिर्फ इन दो वैल्यू के लिए। अब इसकी वैल्यू 20 कर दिए, अब देख पहले वाला सही है या गलत है। साफिक आया ना, तो आप सिर्फ एक वैल्यू से जज नहीं करते, आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ वो सेट होना चाहिए। बोलो नहीं, ये बात समझ में आ गई? लिखो 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 लिखो। अभी बस इतना ही पता चलेगा आकर्षित कि डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है। हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, इनकरेक्ट का बता सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो मैं पक्का कह सकता हूं कि वो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, वो फिजिकली कभी करेक्ट नहीं होगा। तो इतना आइडिया दे दिया, वो क्या कम है? अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता दूं, देखो तुम कई बार करते हो लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलता। एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसके अंदर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ इनटू स्पीड, कौन सा फॉर्मूला सही है ये पता ही नहीं चलता और याद भी रहता है कई बार। हाँ यार ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहता और इसमें गड़बड़ भी होती है। किस किस को होती है इसके अंदर गड़बड़, इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में होती है ना, इस फॉर्मूले में गड़बड़ किस किस को होती है इस फॉर्मूले के अंदर गड़बड़ की कौन सी चीज कैसे आई थी? अब मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको करने का तरीका बता देता हूं। देखो मैं एक सिंपल तरीका, देखो डायमेंशनल का फायदा देखो, मान लो तुम लिखते हो लैम्डा इज इक्वल टू सी इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना? ये देख लो डायमेंशनल इनकरेक्ट है, लैम्डा का मतलब एल, इसका मतलब क्या है एल अपॉन टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या है वन अपॉन टाइम, तो ये दोनों इक्वल का हासिल हो सकते हैं, ये तो एल अपॉन टी माइनस टू आ जाएगा, आया ना? लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, अब देखो अब सही हो जाएगा,
आया ना, अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तुम देखो c क्या है मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या है वन अपॉन सेकंड, और ये क्या है मीटर, तो दोनों सेम आ गए ना यार, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें, आया ना, आप कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसके अंदर। जब भी देखो आराम से फटाफट आ जाएगा कि क्या करना है, गलत कर भी दोगे तो भी तुम सही को आइडेंटिफाई करोगे सही कैसे होगा। बेटा मैंने ये कहा कि c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, डायमेंशन देख लो ये क्या है मीटर पर सेकंड है, ये क्या है वन अपॉन सेकंड, और ये क्या है मीटर, तो इसका इधर भी मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड, सेम डायमेंशन आया। लेकिन अगर मैं कहता हूं c इक्वल टू f बाय लैम्डा, अब देखो ये और ये सेम नहीं है, देखो सही बात सुन क्या, अरे तो तुम एकदम सही चीज ही पढ़ाएंगे यार, आवाज नहीं आ रही क्या, वॉइस सही नहीं आ रही है, आ रही है ठीक है, आ रही है, ओके 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 ओके, मैं समझ गया भाई। अब ठीक आ रही है, ठीक है तो अब आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। एवा बताओ अभी जो बताई वो सारी बात समझ में आ गई, ओके गुड, चलो एवा बताओ अभी समझ में आ रहा है चित्र से, ठीक है अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात बाकी है, लिखो और करवा रहा हूं अभी बंद नहीं किया इसको, ठीक है अभी लिखवाना भी तो है, अरे ये नहीं एक दो स्टेटमेंट लिखना है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, दूसरा पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट ही खत्म नहीं हुआ, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, H O M O G E N I T Y, यार ये बात तो मैंने तुम्हें ग्रुप के अंदर मॉड्यूल डाला है ना, ग्रुप के अंदर मॉड्यूल है ना, क्या एक बार चेक कर सकते हो तुम उसको, चेक कर सकते हो उसको, मैंने दो मॉड्यूल डाले होंगे, एक मिनट में चेक कर लेते, मॉड्यूल डाला है मैंने तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ दो है, एक में क्वेश्चंस भी है साथ में, कोई बात नहीं मैं फिर से डाल दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आज वो हाईलाइट करके डाल दूंगा, ठीक है एक मिनट है अभी मैं और बता दूंगा, चलो आज ना इतना ही पढ़ाते हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, ठीक है जनरल क्वेश्चन पूछो एक, ठीक है जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, हुआ क्या कि
मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जब भी है ना रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ जब भी खाना खाने जाता हूँ तो हम साथ में क्या करते हैं, हमेशा पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते आपस में, ठीक है? हम पैसे कभी भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कि तूने इतना खाना खाया, मैंने इतना खाया था। लॉकडाउन में भी चले जाते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं कि अपने जो डेबिट कार्ड है, एटीएम या क्रेडिट कार्ड है, वो एक वॉलेट में डालते हैं सारे के सारे, और फिर क्या करते हैं उसको एक एक करके रिमूव करते हैं, और जो लास्ट कार्ड बचता है उसको पेमेंट करनी पड़ती है हमेशा, ठीक है? हमेशा जो लास्ट बचा था उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हम हमेशा ऐसे करते रहेंगे तो एवरेज, हम जब भी जाते हैं तो एवरेज सबके बराबर बराबर पैसे आ जाएंगे, आया ना भाई? प्रोबेबिलिटी कहती है कभी मेरे पास आएगा कभी उसके पास, ऐसे आता रहेगा, और हर बार हमें भी मतलब हिसाब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? कि मेरा इतना बिल है, मेरा इतना बिल है, स्प्लिट भी करने की जरूरत नहीं, तो रैंडमली हम ऐसा करते रहे, ठीक है? बिल्कुल टर्न वाइज नहीं, टर्न वाइज में ज्यादा मजा नहीं आता, इसमें गेम का गेम हो जाता है, ठीक है? आई बात समझ? तो इसके अंदर क्या हुआ, एक बार मैं और मेरा दोस्त और उसके एक फ्रेंड है, ठीक है? मैं, मेरा दोस्त और उसके एक फ्रेंड है, तो मैंने कहा यार तुम्हारी फ्रेंड का है ना बिल मैं पे करना चाहूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसके क्रेडिट कार्ड की जगह मैं मेरे दो क्रेडिट कार्ड डाल देता हूँ, आया ना? मैंने कहा कि इसके क्रेडिट कार्ड की जगह मैं मेरे दो क्रेडिट कार्ड, एक मेरे दोस्त का कार्ड, उसकी फ्रेंड का मैंने बोला कि मैं पे करूंगा। अब हुआ क्या कि उस क्रेडिट कार्ड डाल दिए उसके अंदर, अब एक-एक करके वो क्रेडिट कार्ड निकाले लगे, तो हुआ क्या मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड बाहर आ गए पहले, और मेरे दोस्त को पेमेंट करनी पड़ी, आया बात समझ में? इसको पेमेंट करनी पड़ी, मेरे दोस्त को पेमेंट करनी, और मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड बाहर आ गए। अब मेरे को ये बताओ, वो जो उसकी फ्रेंड थी उसको किसको थैंक यू बोलना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए अब उसके दोस्त को? वो थैंक यू किसको बोलेगी, मेरे को बोलेगी या उसको बोलेगी थैंक यू? उसको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें है ना रियल रिजल्ट पे नहीं देखना, आया ना? रियल रिजल्ट पे हमें कभी काम नहीं करना, हमें करना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, तुम पढ़ाई भी उसी चीज के लिए करते हो, ठीक है? तुम पढ़ाई भी उसी चीज के लिए करते हो, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो जरूरी नहीं है हर बार आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए काम करते हो, ठीक है? मतलब आप मेहनत करोगे तो हो सकता है एक पेपर में आपके नंबर नहीं आए, दो भी नहीं है, लेकिन आप काम करते रहोगे आपके नंबर आने लगे, कहीं ना कहीं उससे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मैं हर बार ऐसा करूंगा ना, और एक साल में मान लो हम 20 दिन खाना खाने जाएंगे, पक्की बात है उसकी फ्रेंड का बिल मेरे को पे करना पड़ेगा एवरी डे, आया ना? सो ऑलवेज वर्क फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, नॉट फॉर एक्चुअल रिजल्ट। बात समझ में आई नहीं? ए बात समझ में आ, ठीक है? चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? मैं हाईलाइट करके भेज दूंगा जो जो पढ़ना है तुम्हें मॉड्यूल में से। ओके बच्चों, बाय बाय, कोई बात नहीं, बंद है तो।